नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सुरेश गंगवार ने ग्राम भटोरा में की कई घोषणाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष पति व प्रतिनिधि डॉक्टर सुरेश गंगवार लगातार क्षेत्र में ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं और समस्त ग्रामों में जाकर ग्रामवासियों की समस्याएं सुनकर उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पति व प्रतिनिधि डॉक्टर सुरेश गंगवार ने सितारगंज के ग्राम भटोरा में कई घोषणाएं की, जिसमें ग्राम भटोरा में ईदगाह की चारदीवारी साथ ही लगभग 320 मीटर सीसी मार्ग की घोषणा की। वहीं डॉक्टर सुरेश गंगवार ने आने वाले चुनाव में जनता से कांग्रेस पार्टी वोट देने की अपील की है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पति व प्रतिनिधि डॉक्टर सुरेश गंगवार लगातार सितारगंज विधानसभा में भ्रमण कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। तो ग्राम भटोरा से लगभग 100% सभी मुसलमान भाइयों का हमेशा से प्यार रहा है सुरेश भाई के लिए, पहले भी और आज भी। तय दिल से सब मुसलमान भाई सुरेश भाई के साथ हैं, भाई को यहाँ से विजय देखना चाहते हैं। बात सच है, ये बात सही है, उनकी दबदबा रहा है और सब उनके साथ भी रहे लोग, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो कि बीजेपी ने ऐसे ऐसे जुल्म किए हैं। इस चक्कर में जो समाज के लोग हैं बीजेपी से हटते नज़र आ रहे हैं। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र है, विकास से बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है पूरे जनपद में। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी, जो विकास होने थे विकास नहीं हो पाए, लेकिन मैंने जिला पंचायत के माध्यम से थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके 20 साल में जो काम किए हैं और अब जो काम कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा दिखाई देगी। ये सितारगंज क्षेत्र चंडीगढ़ के रूप में विकसित दिखाई देगा। 4 तारीख को प्रोग्राम तो गरीब है, मैं जनता से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचें और उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं।